अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूं शाहिद फारूक। मैं इस वक्त मौजूद हूं वडाला संधवा में। ये हलका है NA 73। आइए जानते हैं यहां के लोग इस बार किसको वोट देंगे। क्या हाल है? वोट कौन देगा? इमरान खान। भुखात बस चंगा लगदा इमरान खान। वोट पीटीआई नो। क्यों क्यों मर्जी बस साडे असि सपोर्ट है ना पक्के पीटीआई दे। वोट पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वोट इंशाल्लाह पीटीआई नवाज। सर पीटीआई को ऑब्वियसली। क्यों? देयर इज नो अदर ऑप्शन। यस सर। शुक्रिया। वोट नवाज शरीफ। क्यों? बस ऐसे ही कर रहा है देने का। तीन साल तीन दफा हुकूमत ना कर चुकी, चौथी बार कामयाब रहेगी कि बस नहीं? इस बार कामयाब होगी, क्यों नहीं होगी? हाँ जी है, नवाज शरीफ की हुकूमत है इंशाल्लाह। जी भाई किन वोट दें? वोट सिर्फ तस्बीह वाले को। इमरान खान। हाँ जी खान साहब इंशाल्लाह। खान साहब। इमरान खान साहब। अच्छा किया इन्होंने, क्या किया, क्या बनाया उसने, सबसे लड़ाई की। अच्छा नून लीग वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ के काम अगर निकाल दिए जाए 75 सालों में तो कुछ भी नहीं बचता, इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया उसके बारे में। उसने 4.25 सालों में इतनी कुछ कर दिया कि हमने उनका क्या बताएं। क्या क्या बताएं? मतलब कि उन्होंने क्या किया सब कुछ, तो वो लंदन में ले गए हैं। सलाम। वोट शेर को। क्यों? शेर ही काम करवाता है। हाँ जी पीटीआई वाले कहते हैं वो पैसे लेके भाग जाता है नवाज शरीफ, तकरीर ही करते हैं पीटीआई वाले। हाँ जी चोर नहीं है वो? नहीं। वो क्यों कहते हैं? चोर मुशर्रफ नहीं साबित कर सका जब अपने अरूज पे था। चोर होता तो मुशर्रफ साबित कर देता उसकी चोरी, अभी साबित नहीं हुआ, अभी वो बरी हो गया। तो जो कहते हैं उनके बारे में वो कहते रहे इंशाल्लाह। वोट पीटीआई को। क्यों? बस दिल गया उसका। मैं अग्गे आ गया फिर बोली दा सामने। वोट किनू देना यार? मैं किसी नु ही नहीं देना। वजा यार जा पता ही है, मैं तेनू तेनू सारा पता। सामने किम सर, क्या हाल है? ठीक। वोट वोट अभी फैसला नहीं किया, करेंगे फिर इंशाल्लाह। बेहतर कौन सा? सारे बेहतर हैं। हां सारे मामला सर। सामने किम। वालेकुम सलाम। मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह। वोट नवाज। क्यों? बस अच्छा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वोट वोट कैड नंबर 804। क्यों? क्योंकि लीडर ही वो है बस, पूरे पूरी दुनिया का, पाकिस्तान में नहीं दुनिया का लीडर है वो, मुस्लिम उम्मा का लीडर है वो, आप भी जानते हैं सब जानते हैं। 3.5 साल वो अच्छे गुजरे हैं जो लाओ कोरोना आया भाई जान, कोरोने में पाकिस्तान को बचाने वाला इमरान खान है, पूरी दुनिया स्टक अप हो गई थी। आपको नहीं पता मईशत कैसे उसने खड़ी कर दी थी, 6.5 GDP था पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का इतना GDP नहीं रहा। बांग्लादेश कोलैप्स कर गया, इंडिया कोलैप्स कर गया, लेकिन पाकिस्तान सर्वाइव कर गया, वजह सिर्फ खान साहब की हिकमत ओनली। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वोट पीटीआई। ईमानदार लीडर है, करप्शन नहीं करता, ये तो लूट मार मचाई हुई है, 5 साल के बाद 4 साल के बाद आते हैं लंदन से, इधर आके लूट मार करके फिर चले जाते हैं, ये प्रॉपर्टी सारी लंदन में, तो इन्होंने यहाँ पे आके क्या करना, लूट मार करनी फिर चले जाना। नून लीग वाले कहते हैं इमरान खान के 3.5 साल की हुकूमत जो फ्लॉप थी। फ्लॉप नहीं, बड़ा कामयाब दौर रहा है, 3 सालों में उसने ये इधर शेल्टर बनाए हैं, उसने सेहत कार्ड दिया है, बहुत सी सहूलतें दी हैं, डैम का आगाज़ किया है उसने, ये है इन्होंने सिर्फ मोटरवे का क्या करना है, नेशन तो बनाई नहीं। आपकी सड़क तो नहीं बनी जी? इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत बनने वाली थी, वो फंड वगैरह इन्होंने रुकवा दी नून लीग वालों ने, तो इंशाल्लाह इमरान खान 8 फरवरी को आएगा तो दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। दे रहा वोट सर जिन्हों पा देंगे कोई और छट वोट जिन्हों सर आँखों के पा देंगे बोलो जी किन बस अले वे कहाँ के ले कोई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। वोट भाई अभी तक कोई कंफर्म नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वोट वोट इस्लामी जमात। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल? वालेकुम सलाम। वोट LP सर। क्यों? वैसे अपनी मर्जी है सर, जीत जाएगी ना भी जीतेगी तो कोई गल नहीं, बाकी तो सारे चोर ही ने, नवाज शरीफ भी कहते इमरान खान भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, सारे ही चोर ने, तो ऐतकी इन्होंने दे लेंगे वोट, उंज भी तो जा ही करना भी दे देंगे कोई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या वोट भाई? PTI। कोई खास वजह? खान साड़ी जान, साड़ा लीडर, मरण वास्ते जीने वास्ते तैयार हाँ। बहुत शुक्रिया। वोट शेर नो। क्यों?
نواز شریف تو بغیر ملک نہیں چلا سکتا کوئی بندہ تین بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں بہتر کارکردگی بہتر کارکردگی سی تھی دوسرا آدمی کوئی بھی نہیں عقل سمجھ نہیں رکھتا یہ دیکھو تو معیشت دا ماہر رہا عمران خان دے ساڑھے تین سالوں کیسے رہے عمران خان کو حکومت نہیں چلی بچارے کو ساڑھے تین سال بعد بچ گیا وہ یہ حکومت چلے گی تو صرف نواز شریف کے کول اور کسی کو نہیں چل سکتی ہے پیپلز پارٹی دو باری آ چکی وہ بھی فیل ہو گئی تھی ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سال بعد اے آئی اے بھی فیل ہو گیا ہے صرف نواز شریف جہاں وہ دیکھو معیشت جہی ہے تمام امیر آدمیوں کے نال نے تو اس واسطے معیشت کو مضبوط کرے گا تو چلے گا حکومت جی بہت شکریہ سلام علیکم بھائی کیا ووٹ کنوں دینا جی بھاجی میرا تو شناختی کارڈ کون ہے یہاں بن جائے تو کنوں دے پھر بھی کسی نے کیوں بس السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ووٹ کنوں دینا بھائی شیر 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 سر وہ انہوں نے پتہ ہے ملک چلان دا اچھا پی ٹی آئی والے کہندے نے شیر لوٹ لوٹ کے باہر نہ جاندا ہے نواز شریف وہ صحیح گل ہے کہ جھوٹ نہیں سب جھوٹ ہے سر جڑا بھی آندا وہی لٹدا اچھا کیڑا نہیں لٹدا شیر بس بس اللہ اللہ ووٹ کنوں دینا کوئی وقت دے نال کیڑا بہتر ہے ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਚ ਡਰ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਵੋਟ ਵੋਟ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਵੋਟ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵੋਟ ਭਾਈ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਰੇਨ السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو ووٹ السلام علیکم کیا حال کرا رہا ووٹ شیر ہیں شیر السلام علیکم کیا حال ہے ووٹ عمران خان دا عمران خان السلام علیکم بھائی کیوں دے ووٹ کسی نے دے ہڑاں گے سیک فی الحال تو پی ٹی آئی ہے فی الحال السلام علیکم بھائی کیا حال ووٹ کر لو کسی کو بھی نہیں یہ حالت دیکھیں پیچھے دیکھیں کیا بولے نا پیچھے آپ نظر آ رہا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی سپیچ بولے کیا سپیچ دینے کے لیے پہلے کس کو دیا پہلے کسی کو نہیں دیا فرسٹ ٹائم دینا ووٹ پر دینا ہی نہیں آیا اس دفعہ دل ہی نہیں کوئی کچھ کوئی بندہ ایسا ہے نہیں جو حالات بدل نہیں ہے کہ ایک سیاست دان نواز شریف صاحب تین بار وزیر اعظم رہ چکے کون سے بنے ہیں ادھر کیا بنا ہے ہم عمران عمران کسی کو بھی نہیں دینا بھائی کسی کو بھی نہیں دینا آپ انشاءاللہ قیدی نمبر 804 کا ووٹ ہے جی بہت شکریہ مہربان السلام علیکم اسی ہو گیا السلام علیکم بھائی کیا ووٹ بنے ہیں نہیں ہے کتنا عمران خان جی بولو جھک دیو السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو ووٹ ووٹ عمران خان دا پکا وعلیکم ووٹ مسلم لیگ جی نون لیگ کیوں یہ اچھا بندہ ہے مہربانی ووٹ نون لیگ نا کیوں نون لیگ نے سڑکاں توڑ توڑ کے کام شروع نہیں کر رہے نون لیگ سانوں کافی سارے فائدے دے رہی جناب ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਅਵਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਫਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਮਲਿੰਗ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇ ਕਿਸ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ ਸਭ ਚੋਰ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਪ ਹਮ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹਮ ਕੀ ਬਤਾਏ ਆਪ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੁਣ ਲੋ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵੋਟ نواز شریف کیوں بس گج بج کے ہاں جی لیڈر ہے لیڈر ہے کافی سے اب نہیں ہے انشاءاللہ مکمل حمایت ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ السلام جی ووٹ ووٹ مرکز ملی مسلم لیگ ماشاءاللہ کیوں
बस तेरे हैं कि मकदार जे कल क्यामत वाले दिन है पुछ होनी है कि अच्छा इंतकाब बंदे का करना बहुत अच्छी बात है। वोट अमानत। हाँ वोट अमानत है, वोट देना चाहिए इंशाल्लाह। मेहरबानी। वोट मिला वासराम वोट शेर साडू शेर है शेर क्यों शुरू तो शेर है। अच्छा हां जी इंशाल्लाह ताला जिरे नसीब ओनू दे दा। वैसे केड़ा बित कोई काम कराया नॉन लीग नहीं ज्यादा नॉन नॉन लीग नॉन लीग ते आंदे ने खा के बाहर नस जंदे ने सारे पैसे जेड़े नवाज नहीं आंदे ने के झूठ ਇਹ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਝੱਗ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਸਮਾਨ ਦੱਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੋ ਬਣਾ ਦੱਸ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਾਜ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਔਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ हमारा दिल की जान है वो बबर शेर नहीं शेर बबर शेर इमरान खान। अच्छा नवाज शरीफ को नहीं क्या हाल है ठीक वोट वोट सर देना तीर नू सर जी सर सारा साढ़े पिंड का एम पी खलोता की भाई ना की जी ए बुटो इस्लाम अलैकुम भाई वोट लब्बे की या रसूलल्लाह बड़े पूछ लिया अल्हम्दुलिल्लाह अपना वोट मानत होंगी देंगे जिन्हों देना होगा दुख छुप के देना चाहिए बिलकुल पीटीआई खास अच्छा लीडर है सच्चा है वोट वोट इंशाल्लाह ताला वड़ा वोट पीटीआई छोटा अपना नॉन लीग या इस्तकाम पाकिस्तान कन्फर्म नहीं है जी कन्फर्म नहीं इंशाल्लाह ही पीटीआई बहुत शुक्रिया पीटीआई क्यों है ये क्यों जी इंशाल्लाह सर जरूर जेदे होते सर साडे अल्हम्दुलिल्लाह लगदा पीटीआई जी 100% इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया भाई किसको पीटीआई क्यों वो भाई से डरते नहीं वोट और पहला ही पीटीआई को इंशाल्लाह आईडी बन गया जी पहला वोट जी वोट का नाम शुक्र इंशाल्लाह शेर नु क्यों जिन्ने भी तरक्याती काम किए ने मोटरवे बनाई हर चीज जिहड़ी अच्छे तो अच्छे काम वो दौर च होए ने यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनाईया कॉलेज उन्होंने बनाए अपना स्कूल उन्होंने अपग्रेड किए उन्होंने दौरे हुकूमत च होया सारा कुछ। अच्छा पीटीआई वाले इमरान खान को ज्यादा याद क्यों करते हैं कौन सी खूबी है जिहड़ी उन्हें याद खूबी है पीटीआई वाले मेरी नज़र च वो आप ही नशाई ने अपना नशाई के ही साथी ने ना फिर बहुत शुक्रिया वोट किन वोट इमरान खान दे क्यों ਅਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਵੋਟ ਕਿ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਗਾ ਆਪਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਵੋਟ 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 ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕਿਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਾਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਸ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ वोट पी टी आई इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए इस 75 साल गुलामी से निजात के लिए और अपने कप्तान के लिए सबसे पहली बात है जो हमारे दिलों में बसता है पाकिस्तान में तकरीबन इस 3.5 साल अच्छे रहे इमरान 3.5 साल का फैसला आप मीडिया में आप फैसला कर सकते हैं कि उस वक़्त हमारी ग्रोथ 6% पे थी पेट्रोल 150 पे था उस वक्त उससे पहले चले जाएं आप उससे पहले चले उससे पीछे चले जाएं जब 65 था
जब लेकिन ग्रोथ हमारी 6% पिछले 40 सालों में नहीं गई। ग्रोथ से आपके मुल्क की इकॉनमी का पता चलता है, ग्रोथ से पता चलता है कि आपका मुल्क तरक्की कितनी कर रहा है। वो नवाज शरीफ, मुशरफ, ज़िया किसी भी दौर में 6%। आप हमारी सनते पहली मरतबा पाकिस्तान में मज़दूर कम पड़े थे, हमें मज़दूर इस तरह चाहिए थे कि हम चाइना से मंगवा के काम करें। अच्छा, वो जो कहते हैं इमरान खान ने कर्ज़ा जो है वो 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्ज़ा नहीं लिया गया जितना इमरान खान ले गया, वो सच है? सर, कर्ज़ा दरअसल पाकिस्तान में हर हुकूमत जो भी आएगी ना वो ज़्यादा लेगी, आने वाली भी। इमरान खान ने तकरीबन 16,000 अरब इस तरह का कोई फिगर है कर्ज़ा लिया, लेकिन उसके बाद जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसने 19,000 अरब लिया। 3.5 सालों का आप कर्ज़ा टोटल करें और उसके बाद अगले 16 माह का टोटल करें, वो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आपने कर्ज़ों की किस्तें देनी है। कोई भी गवर्नमेंट है वो कर्ज़ा ज़्यादा लेगी, फिर ही वो किस्तें दी जाएंगी ना, वो कर्ज़ा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगेगा। इसलिए इंशाल्लाह अगर हम कामयाब हुए, हमारा कप्तान कामयाब हुआ, तो ग्रोथ एक मरतबा फिर ऊपर जाएगी और पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे। बोर्ड जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दा वजह बस कम शम कराते ने, मोटरवे बनाते ने, यूनिवर्सिटी सड़क थोड़ी दा हाल सड़क दिखाओ जी ना ए इंशाल्लाह इलेक्शन तो बाद शेर क्यों तो कम अच्छे करते ने बस। अच्छा, मैं सुनया कि नून लीग सड़क वगैरह बहुत अच्छे तरीके ना सिस्टम बना दा, तुहाडे पिंड दी सड़क वेख के बड़ा अजीब जिहा लग्या, की कर ए सियासत दी नज़र होई? हां जी, बन रही सी रोकी गई, बनाड़ वगैरह आ गई। हाँ जी, रोकी क्यों गई? सियासत अपनी, हर बंदा अपने में सियासत कर रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल? वालेकुम सलाम। वोट क्यों देना? पीटीआई नु क्यों? बस स्पेशल इटली तो आए हैं, इमरान खान वोट देना जी, ना लैन ते पाबंदी।